राहुल गांधी टेंशन कम नौनी तेरे राहुल गांधी को गुजरात हाइकोर्ट रु मिल पार्लानी आश्वस्ति राहुल पुनर्विचार आवेदन को खारज करोर्ट तल कोर्ट निष्पत्ति को गुजरात हाइकोर्ट कायम रखिंट राहुल को दुई वर्ष जेल दंडादेश कायम रही संसद सदस्यता राहुल फेरी पाइबे गत मे मासरे गुजरात हाइकोर्ट राहुल पाई दुई वर्ष जेल दंडादेश अंतरीण रोक लगे मना कर ग्रीष्म अवकाश पर आवेदन उपरे राय देबे बोली कोर्ट कहिथिले 2019 साधारण निर्वाचन प्रचार बेले राहुल गांधी कोलार भाषण देउथिले एही समय रे से कहिथिले जे केमिति समस्त चोरंक सरनेप मोदी तांकर एही बयान को नै बीजेपी अटैकिंग मूड को आसी जाइथिला राहुल गांधी ओबीसी मानंकु अपमानित करथिबा दल अभिजोग करथिला एथसह गुजरात बीजेपी नेता पुनेन्दु मोदी कोर्ट को द्वारस्थ हो राहुल गांधी ना आपराधिक मानहानी केस करते आज तार शुणी मेरी जिम्मेदारी समस्त गुजराती मोड मोदी समाज की उपप्रमुखी थी। उस दौरान 2019 के लोकसभा के कैंपेन में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर कोलार में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। बाद में उन्होंने कन्विक्शन स्टे के लिए सूरत की सेशंस कोर्ट में जब वो आए थे वापस दोनों पक्षकारों की वकीलों की दलील हुई बाद में वहां पर भी उनका कन्विक्शन स्टे निकाला गया खारिज कर दिया गया। तब हमारे फैसले हमारे पक्ष में रहा। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है बाद में आज का जो फैसला दिया गया है तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं और जो भी कानूनी मुद्दे उसमें उठाए गए उसमें हमारे जो एडवोकेट है टोलिया साहब वो आपको बताएं। एक सवाल ये है कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी का इतिहास रहा है कि चाहे वो वीर सावरकर का मामला हो या और मामले जहां पर उन्होंने मानहानि की है एक और कई मुकदमे हैं तो वो तो उनका बाबत है जी, लेकिन कोर्ट ने माना है कि उनका इतिहास रहा इस तरीके के बयान देने का तो उनको अभी सोचना चाहिए कैसे इतिहास न रचे। हिंदुस्तान में सद्भावना से पेश आए उनको सोचना है। मैंने अभी बताया कि आज का जो फैसला आया है हमारा जो एडवोकेट टोलिया साहब है कानूनी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिनिधि टीवी।